नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हरि तक पहुंचने का द्वार हरिद्वार भारत के उन मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही, तो वहीं सदियों से आम जनमानस के लिए मोक्ष की नगरी भी कहलाई। इसे शिव की जटाओं से निकली माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिला, तो वहीं शिवालिक और नील पर्वतों पर विराजित शक्ति की कृपा भी मिली। यही वो पवित्र स्थल है जहां शक्ति अपने चंडी रूप में अवतरित हुई। यही वो पवित्र स्थल है जहां राक्षसों का अंत हुआ। यही वो पवित्र स्थल है जहां मां चंडी ने अपना बसेरा बसाया। क्या है शक्ति के चंडी अवतार का रहस्य? क्या है खंभ स्वरूप रुद्र चंडी का रहस्य? क्या है मां चंडी के दिव्य दरबार का रहस्य? हरिद्वार से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक की पहाड़ियों पर शक्ति का एक स्वरूप मां मनसा देवी के रूप में विराजमान है, तो वहीं दूसरा स्वरूप नील पर्वत पर मां चंडी के रूप में अवतरित है। अनादि काल से मां चंडी का ये वो धाम है जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालु या तो 2.5 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं या फिर उड़न खटोला यानी कि रोपवे का सहारा लेते हैं। मां चंडी के दरबार तक पहुंचने के लिए हमने भी उड़न खटोले से जाने का फैसला किया। जैसे जैसे मां चंडी के दिव्य धाम के करीब जा रहे थे, वैसे वैसे मन में मां चंडी की महिमा को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो जाना कि अनादि काल से मौजूद शक्ति के इस धाम में 8वीं शताब्दी में जाकर आदि शंकराचार्य ने मां चंडी देवी की मूल प्रतिमा को स्थापित किया। इसके बाद साल 1872 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जैसे ही हम मां के दरबार पहुंचे, चारों तरफ मां चंडी के जयकारे लगाए जा रहे थे। हाथ जोड़े आस्था में डूबे भक्त झूम रहे थे और सामने मौजूद थी मां चंडी देवी के संग खंबे के रूप में स्वयंभू अवतरित हुई मां चंडी देवी। मां के दिव्य दर्शन पाकर ऐसा लगा मानो जीवन ही धन्य हो गया हमारा। ये रुद्र चंडी है, इस पूरे पर्वत का नाम है नील पर्वत। नील पर्वत पर मां चंडी देवी दो रूप में विराजमान है। ये रुद्र चंडी स्तंभ से स्वयं प्रकट है। हमारे ऊपर आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कोई कष्ट होता तो रुद्र चंडी का ध्यान करते हैं। काली का रूप है, हम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वनंदन करी देवी नारायणी नमस्ते। काली का रूप है रुद्र चंडी स्वयं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पूजित है 8वीं शताब्दी में मंगल चंडी का। मंगल चंडी का मनोकामना देवी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए, संतान के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मकान आदि वाहन के लिए मंगल चंडी का नाम। मंगल चंडी सर्व मंगल मांगल शिव सर्वार साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। कहते हैं ना, शक्ति के जितने रूप हैं उतने जुड़े पैच, उनसे जुड़े उतने ही रहस्य, मान्यताएं और पौराणिक कथाएं भी हैं। नील पर्वत पर मौजूद मां चंडी के अवतरित होने के पीछे भी कई कथाएं हैं। समय गवाह है कि जब जब राक्षसों का आतंक बढ़ा है, तब उनके अत्याचारों से देवताओं को बचाने के लिए शक्ति को अवतार लेना पड़ा। कहते हैं मां चंडी के अवतरित होने की वजह भी राक्षसों का
संहार है। कथा अनुसार जब शुंभ, निशुंभ और महिषासुर ने इस धरती पर प्रलय मचाया हुआ था, तब देवताओं ने उनका संहार करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दरबार में दोनों के संहार के लिए गुहार लगाई। तब त्रिदेव और देवताओं के तेज से माँ चंडी ने अवतार लिया और चंडी रूप धारण कर उन दैत्यों को दौड़ाया। मौत के डर से शुंभ निशुंभ इस नील पर्वत पर जाकर छिप गए। तभी माता ने यहाँ पर खम्भ रूप में प्रकट होकर दोनों का वध कर दिया। इसके उपरांत माँ ने देवताओं से वर मांगने को कहा। स्वर्ग लोक के सभी देवताओं ने मानव जाति के कल्याण के लिए माँ को इसी स्थान पर विराजमान रहने का वर मांगा। तब से ही चंडी स्वरूप शक्ति यहाँ पर विराजमान होकर अपने भक्तों का कल्याण कर रही है। अब आप इसे माँ का चमत्कार कहें या फिर शक्ति की अलौकिक शक्तियां, अनादि काल से लेकर अब तक माँ चंडी के दर्शन मात्र से ही भक्तों को अकाल मृत्यु, रोग नाश, शत्रु भय आदि कष्टों से मुक्ति मिल रही है। जय माँ चंडी देवी।